लाइन से थोड़ा सा पीछे, दो कदम पीछे से मैच का आनंद लेंगे, अन्यथा कमेटी के लड़के जाएंगे, जुर्माना लग सकता आप लोगों को। जितने भी मैदान के दक्षिणी और पश्चिमी दिशा में है, लाइन से थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, दो कदम पीछे। उमंग लेलतन भुजुकन हागा को ता अर्दास हारी बारी अब जो इन गोड़ा रे दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक सामाजिक प्राणी हैं। आप एक सामाजिक प्राणी हैं कि मनुष्य हैं और सभी तरह की भाषा को आप समझते हैं, तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप एक नहीं दो कदम पीछे होगी ही मैच का आनंद लेंगे। चलिए टापाटप फुटबॉल क्लब की बात करें तो ये टीम 2023 में कल्याण युवा मंच बिंगतुबांग के इसी मैदान पर और दूसरे स्थान पर रही थी, उप विजेता टीम रही है और 2023 के विजेता टीम जो थी आर एस सात्री ग्रुप जो है इस टूर्नामेंट से जो है बाहर हो चुकी है, क्योंकि वो 2023 के विजेता टीम थी। लेकिन क्या यहां पर टापाटप एफसी की टीम को पराजित कर पाएगी रंगरुई फुटबॉल क्लब, या फिर रंगरुई एफसी एक नया इतिहास को जो है रक्ष लेकिन आज के दिन में पूरी तरह से जो है गोलों की अकाल पड़ चुकी है, यानी कि एक भी गोल अभी तक आई नहीं है सेकेंड राउंड के बेस में। सेकेंड राउंड का पहला मैच जयपाल एफसी बनाम एसके ग्रुप के बीच खेला गया था, आज जिसमें जयपाल एफसी के टीम पेनाल्टी शूट आउट के माध्यम से और सेकेंड राउंड को जीत दर्ज की है। सेकेंड राउंड का सेकेंड मैच के तौर पर एवेंजर एफसी बनाम सुरेन निष्ठा नामाडी फुटबॉल टीम जो कि पेनाल्टी की प्रक्रिया पर है, और ये तीसरा मुकाबला इस समय हरे और ऑरेंज पोशाक पर जो है टापाटप फुटबॉल क्लब सफेद पोशाक पर है, उसी प्रकार यहां पर सारे दर्शक बंधु जो है लीड हो चुके हैं। और निश्चित तौर पर अगर गोल आती है तो जजेकार हाहाकार की जो है सफलता मिले ना मिले वो मुकद्दर की बात है, सफलता मिले ना मिले वो मुकद्दर की बात है, अगर हम कोशिश भी ना करें वो गलत बात है। लेकिन यहां पर दोनों ही टीम कोशिश जरूर कर रही है अपनी पहली सफलता के लिए, और पहली सफलता किस टीम को मिलेगी ये देखने वाली बात है। तो चलिए आज का अंतिम मैच सेकेंड राउंड का आप तो संबंधित टीम है ब्राइन फुटबॉल क्लब ड्रामा और शिवम फुटबॉल क्लब, चलिए आप भी अपनी तैयारी को आरंभ कर देंगे और समय समाप्ति के 5 मिनट पूर्व जो है आप हमारे मंच के ठीक विपरीत दिशा पर एक मंच बनाई गई है, यानी कि पश्चिम दिशा पर आप वहां पर लाइन अप हो जाएंगे। ब्राइन फुटबॉल क्लब बराबर शिवम फुटबॉल क्लब, ब्राइन फुटबॉल क्लब बराबर शिवम फुटबॉल क्लब, आप अपनी तैयारी को जो है आरंभ कर देंगे। Jangan, 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 j
दोनों ही टीम जो है तीसरे गोल पोस्ट पर गई थी, लेकिन हमारे मंच के समक्ष रिजल्ट आ चुकी है। तभी पेनल्टी में भी दोनों ही टीम बराबरी पर रही थी। आप जीते ना हम हारे, आप जीते ना हम हारे, और इस टूर्नामेंट का जो रिजल्ट हुआ सिक्के के सहारे, यानी कि सुरेन स्टार नामाडी फुटबॉल टीम जो है हार और जीत के माध्यम से सेकेंड राउंड को जो है क्वालिफाई कर सके, यानी कि वो टीम प्री क्वार्टर में प्रवेश कर चुकी है। जीत के लिए ढेर सारी बधाई शुभकामना देना चाहूंगा टीम सुरेन स्टार नामाडी फुटबॉल टीम के कप्तान और सभी खिलाड़ी को, और इस टूर्नामेंट पर पार्टिसिपेट करने के लिए मैं पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा टीम एवेंजर फुटबॉल क्लब। सल्ती बीच जो है समय 0-0 की बराबरी पर, और तमाम दर्शक यहां पर मन ही मन सोच रहे हैं कि भाई आज स्कोर देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही है। चलिए वापस इंटरवल के बाद, और मंगल पूर्ति जो टीम के टीम कप्तान है रंगरुई फुटबॉल क्लब के, वो भली भांति जानते हैं कि भाई इस परिस्थिति से किस प्रकार से जो अपनी टीम को जो है निकाला जाएगा। क्योंकि स्कोर करते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक पैदल आगे जाएंगे, और स्कोर अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा। पूरी तरह से यहां पर जोर शोर मैच, चलिए फसील भी बस दी है और वापस मैच को रोका भी गया है, यानी कि नियम नंबर 12 के तहत मिसकंडक्ट हुई है, और निश्चित तौर पर एक मौका बनेगा रंगरुई फुटबॉल क्लब के, यहां पर सजाया गया है तापाटप फुटबॉल क्लब की ओर से, और किस प्रकार की गप करते हैं देखने वाली बात होगी। चलिए यहां पर मैं, और निश्चित तौर पर यहां आप बहस नहीं करेंगे चूंकि आपके खिलाड़ी जो पहले जो है खिलाड़ी के ऊपर से जो यहां पर प्रयास किए थे, चलिए यहां पर देखिए यहां पर सेलिब्रेशन, चूंकि यहां पर जिस अंदाज से एक ओपन ऑफ द फाउल मिली थी, उसके ठीक एक फाउल मिली थी ऑपोनेंट टीम को, और निश्चित तौर पर गोल कीपर से जो है सूख हुई है। थैंक यू जर्सी नंबर 8 रंगरुई फुटबॉल क्लब के सिंगरई होनागा। तो चलिए भाई सिंगरई ने अपना काम कर दिया है, अब टीम को थोड़ा सा रक्षात्मक खेल खेलना होगा और टापाटप फुटबॉल क्लब को फटाफट और खेल को दर्शाना होगा। चलिए यहां पर जितनी गेंद को पहले रिलीज करेंगे उतने ही एडवांटेज और बेनिफिट होगा आपकी टीम के लिए। जर्सी नंबर 10 टापाटप फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी हैं जो कि करल। चलिए मैच मध्यांतर हो चुकी है और आपके पास एक चुनौती जो है इस समय रंगरुई एफसी की ओर से दिया गया है कि बचे समय के उपरांत आपको जो है एक गोल की वापसी करनी होगी। है करण,
जर्सी ब्रदर्स की पोशाक पर और मैच रेफरी घुसली बजी है। तो चलिए यहां पर पहला गोल देखने को मिला है सेकेंड राउंड के दरमियान। आपको थोड़ी सी संयम बरतनी होगी। जर्सी नंबर 11 रणवीर फुटबॉल क्लब की ओर से जो कि यहां पर है मिलन जेराई, और मिलन जेराई से यहां पर गेंद को छीना गया है। दुश्मनी वाला यह मुकाबला चलता हुआ समय एक स्कोर के साथ आगे पर बढ़ते हुए रंगरुई एफसी अटे में टपाटा एफसी कहने का यहां पर टपटपाते हुए कुछ करना होगा टपाटा एफसी को, नाम जैसे काम करना होगा यहां पे। और कहीं ना कहीं जान बूझ करके यहां पर चलाया गया है, ये सही नहीं है क्योंकि आप फुटबॉल खेलते हैं एक अगल बगल के हैं, आप डायरेक्टली यहां पर वॉलेट कंडक्ट कर गए, जरूरी था नहीं यहां पर सब सीधा कहने का यहां पर गलती करके। ये फाउल कहां पे हुआ ये देखने की बात होगा क्या पेनल्टी एरिया के अंदर में है या बाहर में, ये देखने बात होगी शायद बाहर में है या अंदर में है ये देखने बात होगा। इंजर्ड हो सकते हम चाहेंगे इससे ना खेले आप इस मुकाबले के साथ साथ और भी बड़े बड़े टूर्नामेंट है इससे महीना अगला महीना आने वाली है, आप अगर अभी भी इंजर्ड हो जाएंगे तो वो टूर्नामेंट में आप कहने कहीं पछताएंगे। बढ़िया मौका इस समय गोतु को ताकने के रंगरोई एफसी के लिए बना हुआ है। रंगरोई एफसी आपके पास से गेंद है यहां पर सांगा लाल के लिए टपाटा एफसी गेंद को यहां पर रिलीज किया कि सबसे बेकार सा पास यहां पर करके शंकर नाखो से अपने साथ में लाल से समय रहते कुछ करना होगा टपाटा पे फुटबॉल टीम को। जस्ट नंबर 9 अटे हुए लेकिन डिफेंडर ने गेंद को निकाला और कहने कहीं यहां पर पुशिंग कर गए रेफरी के नजर बस नहीं पाए कहीं ना कहीं संग्राम मुर्मू पूरी तरह से कहने के सामने राधे भी थे, राधे यहां पर कहते हुए कि आप कहने के विदाउट बॉल यहां पर टेकल करते हो ये चीज कहने के यहां पर दर्शाते हुए ये मुकाबला को देख लिया आप कितनी फाइटिंग मुकाबला क्योंकि ये कल्याण जुबावत डिंग तोपंग है दशहरा के दिन में खेलना है ये उम्मीद है इन दोनों टीम के पास। दशहरा पर्व में अगर खेलने का मौका मिलता है अजय जी घूमने तो आएंगे लेकिन फिर भी अगर आप मुकाबला खेलते हैं तो आपके लिए कहने के काफी सारे दर्शक कल के दिन आपको देखेंगे। बातों बातों में